सारे ही पता है मेरा नहीं चली खाई पोर्शन है बनने में एक रखने की जब भी फायर करो तो खोखा अपना संभाल के रखना है, लेकिन जो पीछे अगर खत्म हो गया तो वो साहब से बात करो कि वो राउंड इनको पूरे कर, ठीक है? लेकिन इनका ये बोल देंगे हमने वो राउंड पूरे, मैंने आपसे ही शायद बात हुई थी मेरी, हाँ 50 वाली वो राउंड जो है 50 अगर मिले थे खोखे हैं या नहीं है उनको, मिले 50 मिलियन जो आपके रिकॉर्ड में, वो भी मैंने बोल दिया भाई जी कि जितने मैंने दिलावर को बोल दिया कि जितना भी ये वेरिएशन है ना, कुछ उनको 50 मिले उनके लिखे गए 100, कुछ उनको मिला 100 उनके लिखे गए 50, क्योंकि उस टाइम अफरा तफरी इतनी थी कि ले लो ले लो ले लो, उस वक्त कोई हिसाब था नहीं। आप सारे लोग आ जाओ, मैं पूरा उनका इस स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, आपके अगर 100 लिखे आपको 50 ही लिखेंगे, जिनको 100 दिया है उनको 100 लिखेंगे, ठीक है? और सब कुछ हो जाएगा ऊपर जब देना। भैंस गांव है, यहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और इन लोगों के घरों को जलाया गया था, मकानों को जलाया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। आज ये जो रोजी और रजौरी में जो हादसा हुआ है, हमारे टारगेट किलिंग की गई है, 8 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। मैं सोचता हूँ वही शरारती नसर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा, आज वही शरारती नसर जो है इनके लोगों की, यहाँ पर 20 या 22 घर हैं, हिंदू गांव है 20-22 जो घर हैं हिंदू होंगे उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि वही है, किलिंग ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात को इनको डराया गया, इनको पत्थर मारे गए। और मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन ऐसे जो है शरारती नसर पर की जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है लोगों के सामने नंगा किया जाए जो लोग ऐसी हरकतें करें। अगर अब गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार है, मैं यहाँ के SSP साहब और SHO DC जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको कहूंगा कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन करके उन लोगों को जो है नंगा किया जाए इस जगह पर जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, और इन लोगों की प्रोटेक्शन की जाए, यहाँ पर CRP की जो है पोस्ट लगाई जाए। बड़े थोड़े लोग हैं, आप सोचोगे रात को गन्ने लेकर जाकर किससे मुकाबला करें, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी फोर्स आई हुई है, यहाँ पर स्पेशली फोर्स लगाई जाए ताकि इन लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जाए, ये ना हो कि रजौरी जैसा हादसा यहाँ पर हो और टारगेट किलिंग यहाँ पर हो। बहुत ही दुखद वाकया हुआ है।